हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल एट योर हाउस। सो डियर फ्रेंड्स, टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू टीच यू द लेसन नंबर ऑफ 11th ऑफ द 8th क्लास, एंड द नेम ऑफ दिस लेसन इज देन लाफ। डू नो व्हाट इज द देन? सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने पास देन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है THAN, और एक देन हमारे पास ये होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन THEN एंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ THAN? दोनों में डिफरेंस क्या है तो बता देना चाहता हूँ बेटा। जब आप लोगों ने ग्रामर में एक किया था कंप्रिहेंसिव कंपैरिजन वाला, डिग्री वाला जो काम किया था, जब किसी दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, किसके पास काम किया जाता है, तो वहां पे हमेशा क्या आता है बेटा? देन आता है। वहां पे क्या आता है? देन आता है। और जहां पे आपका टाइम वाला क्या आता है? टाइम वाला THEN आता है, वो आपका, आपके पास क्या है? वो समय को दर्शाता है। ये दोनों विशेष का ध्यान रखना। THAN किसी दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन करता है, तो वहां पे THAN यूज करते हैं, और जब समय के बारे में बातचीत करनी है तो वहां पे THEN हमें वहां पे यूज करना है। क्या यूज करना है? THEN, ठीक है? तो दोनों ही यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, और इसको आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से इसको यूज करते हैं। तो देखिए, देन लाफ भाई, इसके बाद आपको क्या करना है? हंसना है। क्या कह रहा है? ब्री ऑल योर वरीज एंड पेन एंड जस्ट लाफ आउट लॉड। ब्री ऑल, दफना दीजिए योर वरीज, सारी चिंताओं को, एंड पेन, आपके जितने भी दुख हैं उनको, एंड जस्ट लाफ आउट लॉड, और उसको दफनाने के बाद आपको जोर जोर से हंसना है, ऊंची ऊंची आवाज में ठहाठे मारकर हंसना है। दिस इज वॉट दिस पोयम टॉक अबाउट। ये वो पोयम है जिसके बारे में बातचीत करती है। रीड द पोयम, पोयम को आपको पढ़ना है, इंजॉय करना है, एंड फॉलो द मैसेज इट कन्वे, और हमें वो मैसेज देखना है जो हमें ये प्रदान करती है। क्या कन्वे कर रही है मैसेज, उसके बारे में देखना है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या कह रहा है। बिल्ट फॉर योर सेल्फ अ स्ट्रॉन्ग बॉक्स। बिल्ड का अर्थ समझते हो बेटा? बनाना है। फॉर योर सेल्फ, अपने लिए, अ स्ट्रॉन्ग बॉक्स, एक मजबूत बक्सा आपको बनाना है। फैशन इज पार्ट विथ केयर। अब फैशन का अर्थ होता है, आप जानते हो बेटा, फैशन तो वही होता है जो आजकल का फैशन चला हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो ये फैशन है, इस फैशन का अर्थ कुछ और होगा। मतलब हम जब इस बक्से को बना रहे हैं तो इसके प्रत्येक पार्ट को बड़े ही ध्यान के साथ इसको बनाना है, अपना पूरा डेडिकेशन इसके ऊपर रखना है, ठीक है? व्हेन इट इज स्ट्रोंग एज योर हैंड कैन मेक इट, और आप इसको इतना मजबूत बनाओ, इतना ताकतवर बनाओ, जितना आपका हाथ इसको मजबूत बना सकता है उतना ही आपको ये मजबूत बनाना है। और पुट ऑल योर ट्रबल्स देयर, और जितने भी आपकी परेशानी है, जितने भी आपके पास दुख हैं, जितने भी आपकी चिंताएं हैं, इन सभी को आपको क्या करना है? जो आपने ये जो बक्सा जो बनाया है, इस बक्से के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है? और डालने के बाद क्या कह रहा है? ये आपको बंद कर देना है। जो हमने ये बक्सा बनाया है, जितने भी हमारी चिंताएं हैं, जितने भी हमारे पास हैं, उन सभी को इसके अंदर डाल देना है। अब डालने के बाद क्या कह रहा है ये? देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, इस बच्चे ने ये क्या किया है कि यहाँ पे देखिए, अब स्मॉल प्रॉब्लम, छोटी प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम है, राइटिंग प्रॉब्लम है, लिसनिंग प्रॉब्लम है, इन सभी को इसने एक यहाँ पे एक बक्से का निर्माण किया है। और बक्से का निर्माण करने के बाद ये क्या कर रहा है? इसके अंदर जितने भी इसकी चिंताएं थी, वो चिंताएं इसके अंदर डाल दी है। इसको बड़ी मजबूत से इसने बनाया था। अब देखो और आगे क्या कह रहा है।
हाइड देयर ऑल थॉट्स ऑफ योर फेलियर। अब जो आपके मन के अंदर जितने भी आपको असफलता के विचार आते हैं, आपको अपने जीवन में ऊपर ना उठाने वाले विचार आपके मन में आते हैं, उन सभी विचारों को इस बक्से के अंदर बंद कर देना है। एंड इट्स बिटर कफ डैट यू कफ, कफ का क्या होता है, गटक गटक कर आप पीते हो। जो परेशानी आपके जीवन में है, और बिटर कफ का अर्थ यहाँ पे क्या लिया हुआ बेटा, यहाँ पे वैसे तो होता है कड़वा कफ होता है, लेकिन यहाँ पे बिटर कफ का अर्थ यहाँ पे हम लेके आएंगे, जो आपके जीवन में जो परेशानी है, जो आपके जीवन में जो मुश्किलें हैं, उनकी आप कड़वे घूंट जो पीते हो, उन सभी को हम क्या करते हैं, इसके अंदर बंद करना है। लुक ऑल योर हार्टेज विद इन। हार्टेज का क्या होता है, जितने भी आपकी परेशानी है, जितने भी आपकी मुसीबतें हैं, जितने भी आपकी चिंताएं हैं, उन सभी को इस बक्से के अंदर क्या कर देना है, बंद कर देना है। देन सिट ऑन द लिड एंड लाफ। तब आपके पास उसको क्या करना है, आपको इसके ढक्कन के ऊपर जो बक्सा आपने बनाया है, उस बक्से के ढक्कन के ऊपर आपको बैठ जाना है, और आपको जोर जोर से हंसना है, जोर जोर से हंसना है। ठीक है, ये था आपका लेसन, कल फिर मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।